गुना व आसपास के क्षेत्र में बढ़ती अमानवीय अपराधों के खिलाफ विशेषकर श्रीराम कॉलोनी एवं शिवपुरी में दो बच्चों की पीट पीट कर की गई हत्याएं, रतलाम में हुई बच्ची के साथ घटना व बमोरी ब्लॉक में आदिवासी युवक को मारकर निर्वस्त्र घुमाने की घटना के खिलाफ छात्र संगठन, युवा संगठन एवं महिला संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन स्थानीय हनुमान चौराहे पर किया गया। युवा संगठन डीवाईओ के राज्य सचिव मंडल सदस्य मनोज रजक ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने देखा है कि श्रीराम कॉलोनी में एक बच्ची की लाश मिली जिसमें उसके प्रेम प्रसंग होने की बात कही गई, परंतु यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम प्रसंग होना भर से क्या किसी बच्चे को मार दिया जा रहा है। वहीं शिवपुरी में दो मासूम बच्चों के शौच करने पर दबंगों द्वारा मार डालने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि यहाँ यदि बच्चों की गलती करते हैं तो उन्हें सजा देना या उन्हें समझाना समझ आता है, लेकिन क्या समाज में इतनी संवेदनहीनता बर्दाश्त की जाएगी कि बच्चों को मार तक दिया जा सकता है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपनी मांगे रखी। आजकल जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, और शिवपुरी में अभी दो बच्चे जो शौच के लिए गए थे उनको लोगों दबंगों ने मार डाला, ऐसे जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं जिसमें हिंसा बढ़ रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, इसका हम प्रतिवाद कर रहे हैं कि इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए। और दूसरी बात है, जो प्रशासन है उसका भी रवैया बहुत ढीला ढाला है। इन सब के खिलाफ में आगे प्रदर्शन किया जा रहा है।